गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई फाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज रविवार है और जैसा कि हमारे रूटीन के अनुसार हम हर रविवार को एक नए कंट्री के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आज भी हम एक नई कंट्री के बारे में समझेंगे। आज के इस क्लास का विषय जापान है। जापानीज में जापान को निपॉन कोकु कहते हैं। तो चलिए, जापान के बारे में हम अपनी उपस्थित बुद्धि को थोड़ा बढ़ाएं। ये जापानीज फ्लैग है और सबसे पहले शुरुआत करते हैं जापान के लोकेशन से। जापान पैसिफिक ओशन में और एशिया के ईस्ट में लोकेटेड है। सी ऑफ ओकोस्ट जापान के नॉर्दर्न पार्ट में है और ईस्ट चाइना सी और ताइवान जापान के साउथ वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। एशियन मेनलैंड के पूर्वोत्तर भाग में होने की वजह से जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। कुल मिला के छोटे मोटे 6852 आइलैंड को मिलाकर जापान बना है। तो आप ये रिलेटिव लोकेशंस देख सकते हैं। सी ऑफ ओकोस्ट नॉर्दर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में सी ऑफ जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ वेस्टर्न पार्ट में ईस्ट चाइना सी और ताइवान, सदर्न पार्ट में फिलीपींस सी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा, जापान कुल मिलाकर 6852 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। चार जो मुख्यतः बड़े आइलैंड हैं वो हैं होंशु, होकाइडो, क्योशु, शिकोकु। कुल भूभाग का लगभग 97% भाग इन चार आइलैंड में है। जापान की टोटल पॉपुलेशन 127 मिलियन है, जो कि जापान को विश्व की 11वें सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से कंट्री बनाता है। जापान की कैपिटल सिटी यानी टोक्यो में 9.1 मिलियन लोग, लगभग 90 लाख लोग रहते हैं। ये आप देख सकते हैं जापान का मैप, जहां पर आपको बड़े बड़े जो उनके आइलैंड्स हैं उनके नाम आपको दिख जाएंगे। सबसे ऊपर आता है होकाइडो, फिर होंशु, उसके बाद आता है शिकोकु एंड देन क्योशु। तो ये है जापान के बारे में कुछ फैक्टुअल इन्फॉर्मेशन। अब हम जापान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझेंगे। जापान अधिकतर वहां के सुप्रीम लीडर शोगुन द्वारा रूल किया जाता है। शोगुन्स को उनकी उपाधि वहां के एम्परर दिया करते थे। 1603 से लेके 1869 तक जापान एक सीरीज ऑफ शोगुन के द्वारा रूल किया गया। इस फेज को जापान का अर्ली मॉडर्न फेज कहा गया। ऐसा क्यों, आगे देखते हैं। 16वीं शताब्दी के आसपास ट्रेडर्स और मिशनरीज पोर्टुगल से जापान को पहली बार पहुंचे और उन्होंने इस तरह से जापान के साथ कमर्शियल और कल्चरल संपर्क स्थापित किया। जापान धीरे धीरे वेस्ट के कल्चर को भी असिमिलेट करने लगा, यानी अपनाने लगा और घुलने मिलने लगा। बाहर से बहुत लोग जो जापान में आए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इंसान थे यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के कॉमोडोर मैथ्यू पेरी। ये 31 मार्च 1854 को जापान पहुंचे और वहां पर उन्होंने जापान को कन्वेंशन ऑफ खानागावा साइन करने पे मजबूर किया और इस तरह से पहली बार जो दुनिया से हमेशा कटकर रहने वाला देश जापान विश्व के साथ जुड़ा। उसके बाद धीरे धीरे जापान ने कई सारे और ट्रेड रिलेशंस और ट्रीटीज साइन किए। कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, डच, इन्होंने जापान को कहीं ना कहीं फोर्स करके भी वहां के तटों में पोर्ट सिटीज वगैरह बनाए। जैसा कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो भी जापान में आए, कहीं ना कहीं अपनी इंटरेस्ट को उन्होंने एड्रेस करने की पूरी पूरी कोशिश की और जापान के इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट किया, जिस कारण से जापान में कुछ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुए। कॉमोडोर पेरी और अन्य कंट्रीज ने शोगनेट के साथ या शोगन्स के साथ जो ट्रीटीज साइन किए थे वो अधिकतर अनइक्वल ट्रीटीज थे। यहाँ पर अधिकतर जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनको बहुत अधिक फायदा हुआ और जापान को उतना फायदा ना पहुंच पाया और इस कारण से जापानीज जनसंख्या में या वहां के जो इलीट क्लास थे या फिर जो भी बिजनेस क्लास थे उनमें इन अग्रीमेंट्स के अगेंस्ट में एक हॉस्टिलिटी, एक नाराजगी पैदा होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे इस आंतरिक मतभेद होने के कारण से एक रेडिकल मूवमेंट शुरू हुआ जिसको सोनो जोई कहते हैं। यानी वहां के लोगों ने वहां के एम्परर को फिर से तख्तो ताज पे बैठाने की परंपरा को या फिर मोस्ट पावरफुल बनाने के बारे में सोचा और जो शोगुनेट थे उनको बारबेरियन कहके निकालने के लिए मूवमेंट शुरू कर दिया। इस रिवोल्यूशन के बाद, जिसको कि जापान का हल्के शब्दों में सिविल वॉर भी कहा जाता है, शोगुनेट ने रिजाइन कर दिया। फिर बोशिन वॉर हुआ और उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड मेजी एम्परर के अंडर एक यूनिफाइड या फिर सेंट्रलाइज्ड जापान स्टेट की परिकल्पना रखी गई। मेजी रेस्टोरेशन की प्रक्रिया 1868 में शुरू हुई और इसके बाद से जापान ने अपने आप को वेस्टर्न पॉलिटिकल, जुडिशियल, मिलिट्री इंस्टीट्यूशन और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के आगे ओपन कर दिया और इसका फायदा जापान को मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में अपने आप को काफी हद तक हुआ। मेजी रेस्टोरेशन के कारण से एम्पायर ऑफ जापान बहुत हद तक एक इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड पावर के रूप में उभरा और धीरे धीरे उसने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए अपने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।
इस स्लाइड में दिख रहा टेबल आपको टाइमलाइन देता है। ईडो पीरियड यानी वो पीरियड जब शोगन के अंदर जापान हुआ करता था या फिर जापान शोगनेट द्वारा रूल किया जाता था, तो ये लगभग 1603 से लेके 1853 तक था। बाकुमात्सु पीरियड, ये पीरियड 1854 यानी जब से कॉमोडोर पेरी वहां पर पहुंचे और फाइनली जब शोगनेट रिजाइन करता है या फिर फॉल करता है, ये तब तक था। फिर मेजी रेस्टोरेशन शुरू होता है 1868 के बाद से। मेजी रेस्टोरेशन के बाद जब जापान एक वर्ल्ड पावर के हिसाब से या इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड पावर बन के सामने आया, उसने अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को ठंडा कर दिया। यानी उसका सबसे पहला जो वॉर हुआ वो सीनो जापानीज वॉर हुआ या चाइना के साथ हुआ, जो 1894-95 में हुआ। इसमें जापान को जीत मिली। फिर रूसो जापानीज वॉर में भी उसने रशिया को हराया, जो कि 1904-1905 में हुआ। और इस तरह से जापान ने शाखलिन जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उस पे कब्जा कर लिया, जो कि जापान के नॉर्दर्न पार्ट में है। जापान का पॉपुलेशन 35 मिलियन से, जो कि 1873 में था, 70 मिलियन पहुंच गया 1935 तक। वर्ल्ड वॉर वन में भी जापान की भूमिका थी। जापान वर्ल्ड वॉर वन में एलाइज यानी विक्टोरियस ग्रुप का पार्ट था, और ऐसा होने के कारण से जापान की और प्रभुत्ता बढ़ गई। उसने अपने टेरिटोरियल होल्डिंग को एशिया में और बढ़ाया। जापान के पावर के बढ़ने से कहीं ना कहीं उसमें एक फासिस्ट टेंडेंसी भी आई। 1931 में जापान मंचूरिया में आक्रमण कर देता है और उसको कब्जा कर लेता है। और जब इंटरनेशनली उसके इस हरकत की निंदा की जाती है, तो जापान लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाया गया था, 1933 में उससे अपने आप को बाहर कर लेता है। 1936 तक आते आते जापान एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट जर्मनी के साथ बनाता है, जो कि मुख्यतः रशिया के कम्युनिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में था। 1940 तक आते आते जापान ट्राइपार्टाइट ग्रुप का एक हिस्सा बन जाता है, जिसमें जर्मनी और इटली शामिल थे पहले से। तो हम यहाँ पर अपनी इतिहास की जानकारी को सीमित रखते हैं जापान के संदर्भ में, क्योंकि अगर जापान के इतिहास को जानेंगे तो उसमें वर्ल्ड वॉर वन भी आएगा, वर्ल्ड वॉर टू भी आएगा, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जो जापान में आए वो भी आएंगे। लेकिन जापान की परिकल्पना या जापान राज्य या जापान देश जिस तरह से बना है, उसके इतिहास में थोड़ी बहुत जानकारी रखना जरूरी है, और यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू की चर्चा हम अगले एपिसोड में या फिर अलग एक एपिसोड या क्लास करेंगे, जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं भूगोल की तरफ। जैसा कि हमने जाना, जापान में जो मेन आइलैंड्स हैं वो हैं होकाइडो, होन्शु, किशोशु, शिकोकु और क्योशु। ये चार आइलैंड आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से हैं, यानी नॉर्थ से साउथ। लगभग 73% जापान का हिस्सा जंगलों से भरा है और माउंटेन्स है वहां पर, और इसी कारण से वहां पर किसी भी प्रकार की खेती, इंडस्ट्री और रहने योग्य उसकी उपयोगिता नहीं है। इस विषम भूस्थिति के कारण से जापान में रहने योग्य जमीन केवल कोस्टल या तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है, और वो अत्यधिक घनी आबादी वाले प्रदेश होते हैं। आप ये देख सकते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, होकाइडो, होन्शु, शिकोकु एंड क्योशु। आगे बढ़ते हैं। जापान बहुत अधिक मात्रा में अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी और वोल्केनो से ग्रसित रहता है। आप ये देख सकते हैं इस मैप में, यह है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और जापान है यहाँ पर। तो जापान कम्प्लीटली एक ऐसा कंट्री है जो कि पूरा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर ही बसा हुआ है, और इसी कारण से यहाँ पर अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब करते हैं जापान के गवर्नमेंट के बारे में कुछ बातें। जापान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, या फिर आप साम्राज्यवाद कह सकते हैं, जो अधिकतर संविधान के ऊपर बेस्ड है। जिस तरह से हमारे देश में या गणतंत्र में प्रेसिडेंट स्टेट का मुखिया होता है और उसके ही नाम पे सारी गतिविधियां चलाई जाती हैं, उसी तरह से जापान में एम्परर यानी राजा देश का मुखिया होता है और उसी के नाम पे सारी और उसी के हस्ताक्षर पे गतिविधियां देश की चलती हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रेसिडेंट केवल एक नॉमिनल हेड होता है और इम्पॉर्टेंट या डिफैक्टो पावर यहाँ पे प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, तो उसी तरह से जापान में भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ही मोस्ट पावरफुल या एग्जीक्यूटिव पावर होती है। जैसा कि हमारे देश में संसद होता है, पार्लियामेंट, उसी तरह से जापान के लेजिस्लेटिव बॉडी को नेशनल डायट कहते हैं। ये भी बाइकैमरल हाउस है, लोअर हाउस और अपर हाउस। लोअर हाउस हर 4 साल में एक बार चुना जाता है और अपर हाउस के मेंबर्स 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या चुने जाते हैं। तो अब बात करते हैं मिलिट्री की। जापान मेंटेन करता है वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री बजट इन द वर्ल्ड। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के द्वारा जापान की मिलिट्री यानी जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। उनकी भर्ती पे एक प्रतिबंध है कि इससे ज्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर या मिलिट्री पे भर्तियां नहीं की जाएंगी, और इसी कारण से
जापान प्रतिबद्ध है कि वो लड़ाई नहीं करेगा और किसी भी तरह के इंटरनेशनल डिस्प्यूट में अपने मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी कारण से जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स एक अनयूजुअल मिलिट्री है जिसने कि आज तक जापान से बाहर एक भी गोली नहीं चलाई है। हालांकि हाल ही के कुछ वर्षों में जापान ने इस अपनी पॉलिसी पे थोड़ा बहुत बदलाव किया है। इराक में जापान ने पहली बार अपने मिलिट्री फोर्स को नियुक्त किया था 2014-15 में। अब करते हैं इकोनॉमी के बारे में बात। जापान विश्व की थर्ड लार्जेस्ट नेशनल इकोनॉमी है और परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जापान के पास विश्व की कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, नई टेक्नोलॉजी और रोबोट्स के मामले में तो वर्ल्ड में शायद सबसे बड़ी जनसंख्या रोबोट की जापान में ही है, जो लगभग 1/3 है। सन 2000 तक जापान के पास विश्व की लगभग आधी रोबोट की जनसंख्या थी। इसके अलावा जापान में मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन टूल्स, स्टील, नॉन फेरस मेटल्स, शेप्स, प्रोसेस्ड फूड, टेक्सटाइल, केमिकल सब्सटेंस आदि इत्यादि की बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल बेस है और विश्व में वो बहुत हद तक निर्यात करता है। जापान का सबसे बड़ा निर्यातक देश जहां पर उसके सामान की बहुत ज्यादा बिक्री होती है वो है अमेरिका। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल बेस को चलाने के लिए जापान को एनर्जी की जरूरत है। 2011 में लगभग 46.1% जापान की एनर्जी तेल यानी पेट्रोलियम के द्वारा निकाली गई, 21.3% कोल से और 21.4% नेचुरल गैस से। जापान की टोटल एनर्जी में केवल 4% एनर्जी उसकी न्यूक्लियर पावर से उसे मिलती है और 3.3% हाइड्रो पावर से। जापान लगभग 24-25% अपनी कुल एनर्जी का हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी से 2010 तक निकालता था, लेकिन उसने उसको घटाकर 9.2% कर दिया 2011 में। मई 2012 तक आते आते बहुत सारे कंट्री के न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑफलाइन कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया, जिसके मुख्य कारण थी वहां के पब्लिक का ऑपोजिशन और वो था फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 के बाद से। जापान हमारी ही कंट्री की तरह से बहुत हद तक अपनी एनर्जी के लिए इंपोर्टेड मटेरियल पर डिपेंडेंट रहता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का लोहा तो विश्व मानता है। जापान एक लीडिंग नेशन है साइंटिफिक रिसर्च के मामले में और इसी कारण से ब्लूमबर्ग इनोवेटिव इंडेक्स में जापान दूसरे नंबर पे है एज मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज। लगभग 7 लाख रिसर्चर्स और उनके ऊपर जापान का लगभग $130 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। जापान एक वर्ल्ड लीडर है फंडामेंटल साइंटिफिक रिसर्च के मामले में और इसी कारण से इस क्षेत्र में उसको लगभग 22 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, जो कि अधिकतर फंडामेंटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन से रिलेटेड हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में जापान बोस्ट करता है 3rd highest नंबर ऑफ साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। लगभग जापान के पास हर 10,000 एम्प्लॉय में 83 साइंटिस्ट, टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर्स हैं। तो दोस्तों, आप इस अद्भुत क्षमता वाले देश के बारे में जरा सोचिए। इस कंट्री के ऊपर 1945 में अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। आज तक किसी भी देश के ऊपर एक्सीडेंटली भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की बात नहीं की जाती है, जबकि अमेरिका ने जानबूझकर जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे। तो आप समझ सकते हैं उस हानि के बाद आज जापान जिस जगह पर खड़ा है और सिमिलर और किस गति से वहां के लोगों ने वो अद्भुत क्षमता का परिचय दिया है कि वो आज वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आए हैं। एक इतना छोटा सा देश जिसके पास अपने पास कोई रिसोर्स नहीं है नेचुरल, 73% उसकी जमीन माउंटेन से घिरी हुई है या माउंटेन है, जहां पर रहा नहीं जा सकता, जहां पर इंडस्ट्री नहीं की जा सकती, उसका उपयोग पढ़ाई लिखाई के लिए भी नहीं किया जा सकता। तो आज के समय में आज जापान ने अपनी नेगेटिविटी को या फिर अपनी डिसएडवांटेज को उसने एडवांटेज बना लिया। आज जापान जिस जगह पर खड़ा है वो आज बहुत सारे देशों को असिस्टेंस करता है ताकि वो डेवलप्ड बन पाएं या डेवलपिंग स्टेज से आगे बढ़ पाएं। शिनकानसन टेक्नोलॉजी जो हम आज जापान से ले रहे हैं और रेलवे अपनी बनाने के लिए हम सीख रहे हैं जापान से। जापान हमें असिस्टेंस दे रहा है 0.1% पर ईयर या पर एनम के इंटरेस्ट पे उसने हमें 50 बिलियन लोन दिया है इस टेक्नोलॉजी को मंगाने के लिए, उसको यहाँ पर कार्यरत करने के लिए। तो जापान आज केवल खुद अपने पैर पे खड़ा नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज को जो डेवलपिंग स्टेज में है उनको हेल्प कर रहा है अपने पैर पे खड़ा होने के लिए। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इंटरनेट से मिली है, मैंने उनके बारे में थोड़ी बहुत स्टडी विकिपीडिया से की है। जापान का एक न्यूज़पेपर है जापानीज टाइम या जापान टाइम्स, वहाँ से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में मिलेंगी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैविंग पेशेंस। कोई भी फीडबैक हो या डाउट हो आप इसको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं इसको जल्द से जल्द एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे तरफ से जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं आपको तुरंत पहुंचाएं। और ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों,
थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट संडे, टेक केयर.